योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री एसएन द्विवेदी जी। बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे अखबारों और मीडिया के अलग अलग संस्थानों को शुरू करने से लेकर उनका सफलतापूर्वक संचालन कर चुके एसएन द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद योगराज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई भी आपको ये सफलतापूर्वक इस तरह के शोज करने के लिए। ये एक शुरुआत है, भले ही मीडिया का इसे हम दूसरा रंग कहें, प्रोडक्शन, कैसे कैसे मीडिया में बदलाव आए, पहले प्रिंट फिर इलेक्ट्रॉनिक आज सोशल। योगराज देखिए, बदलाव तो मीडिया में सतत आते रहे हैं। जैसे पहले शुरू हुआ था तो एक साप्ताहिक अखबार और एक 15 दिन तक अखबार निकलता था, उस तरह शुरू हुआ था। फिर धीमे धीमे बदलाव आते गए, डेली अखबार हो गए, फिर टीवी का दौर आया। एक वो टीवी का दौर भी खत्म, मतलब चढ़ भी नहीं पाया था कि वेब का दौर आ गया। वेब के बाद अब हम सोशल मीडिया की तरफ चले गए बहुत तेज़ी साथ। तो बदलाव बहुत तेज़ी से, बहुत सतत आए हैं, और जो बदलाव है मीडिया को डाइवर्सीफाई अपने आप को करना ही पड़ेगा आने वाले समय में, चाहे इस तरह के सोच करने हो, चाहे और भी चीज़ें करनी हो, तो मीडिया को डाइवर्सीफाई अपने आप को बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। बिल्कुल, मीडिया में जो बदलाव आ रहे हैं, पत्रकारों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंदर बदलाव लाना चाहिए। और अभी अभी एक फैसला कल ही सुनने में आया है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म में जो पत्रकार जुड़े हैं उनको भी पीआईबी मान्यता देगी, इस फैसले पर आपकी? ये बहुत ही स्वागतपूर्ण फैसला मैं इसको मानता हूँ। जिस तरह से भी आज की तारीख में आप देखें तो आने वाला वक्त और आज का वक्त दोनों ही ऑनलाइन मीडिया का है, और जितने पत्रकार इससे ज़्यादा जुड़ रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको एक पहचान मिले, उनको सरकार की उन योजनाओं का लाभ मिले जो पत्रकारों को मिलती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी फैसला है और बहुत ही सम्मानजनक फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सम्मानजनक और स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन कहा जा रहा है कि काफ़ी देर से आया फैसला, विभिन्न सरकारों तक पत्रकारों की लगातार मांग रही थी कि भले ही वो ऑनलाइन पोर्टल चलाने वाले पत्रकार हों या यूट्यूब पर वेब चैनल्स चलाने वाले पत्रकार हों, उनको भी पीआईबी की सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि हर पत्रकार के साथ संघर्ष, जिम्मेदारियां और ज़रूरतें जुड़ी रहती हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ, जितना जोखिम भरा काम ये पत्रकारों का होता है उसको सारी सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम किसी तरह से कम जोखिम भरा नहीं है। अगर किसी और से हम उसको तुलना कर चाहें, जो आज की तारीख में कोविड का काल हो, जैसे कोविड फैला हुआ है और पत्रकार अपनी ड्यूटी निभाने में लगे हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार की वो सारी सुविधाएं, जो CGHS की हो या दूसरी सुविधाएं हो, पेंशन प्लान हो, सारी सुविधाएं पत्रकारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं आज की तारीख में। एक थोड़ा सा सवाल अपने ही कंट्रोवर्सी से जुड़ा मन में आता है, लेकिन विचार उस पर भी रखने चाहिए। आजकल मीडिया को लेकर कुछ लोगों के अंदर नज़रिया बदलता जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के भक्त हो गए हैं कुछ चैनल को, कुछ पत्रकार उनकी भाषा बोलते हैं, ऐसे आरोपों को कह सकते हैं, ऐसे विचारों पर हम क्या होते हैं? ये बड़ा ही आपने एक ऐसे सवाल के ऊपर छेड़ दिया है जिसमें काफ़ी लंबी बहस हो सकती है। मैं हमेशा बहुत दुखद मानता हूँ, सरकार का भोपू नहीं बनना चाहिए मीडिया को कभी भी, और जैसा कि आजकल देखा भी जा रहा है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सरकार की बोली बोल रहे हैं, तो ये गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता। मीडिया के काम है कि वो जनता का पक्ष सामने ला के रखे, जो भी जनता चाहती है, जो भी जनता के दर्द हैं, जो भी सरकार की कमियां हैं उनको सामने रखे, सरकार की अच्छी बातें पहुँचाए, मैं मानता हूँ, लेकिन दोनों पक्ष हमेशा दिखाने चाहिए। आजकल जिस तरह से मीडिया में आपस में जूतमलात मची हुई है, बहुत ही एक खराब और दुखद पहलू है मीडिया का भी, ये और इसको मैं बहुत दुखद मानता हूँ। शायद इसीलिए ऑनलाइन मीडिया की और ज़्यादा आजकल कीमत बढ़ जाती है, यूट्यूबर्स की कीमत बढ़ जाती है, यूट्यूब चैनल्स की कीमत बढ़ जाती है, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कम से कम अभी इस बीमारी से दूर है और आगे भी इस बीमारी से दूर बने रहें, सरकार के भोपू वो कम से कम ना बने। टीका आपने, सरकारी भोंपू बनना पत्रकार का काम नहीं, जनता की आवाज़ बने, हमेशा बने रहे थे और आगे भी बने रहेंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज के इस विषय में केवल इतना ही, फिर एक नए वीडियो में नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही, फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।